सम्राट चौधरी को ये जरूरत क्या थी कहने की कि यार नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, आगे 2025 भी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, आगे ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ इस सबका चर्चा था। और हम लोगों ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार जिस रास्ते चल रहे हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा वो अंदाजा हो गया है। कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज भी नजर आ रहे थे। ललन सिंह ब्यांदर जब उनसे पूछा गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो उन्होंने कहा कि जाके प्रधानमंत्री से पूछिए ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे खेल समझाने हम बैठे हैं बाबा के साथ। बिहार में क्या चल रहा है देखिए, नीतीश कुमार की आज एक बैठक है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कल और कल के पहले, अगर परसों की बातचीत की जाए तो नीतीश कुमार के गैर मौजूदगी में एक बैठक जो है वो की गई। सम्राट चौधरी से लेकर के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उस बैठक में मौजूद थे। इधर नीतीश कुमार जब से प्रधानमंत्री के शपथ समारोह से लौटे हैं, मीडिया के कैमरों से, मीडिया के फ्लैश से, मीडिया के बाइट्स से काफ़ी दूर हैं और चुपचाप वो अपना सब कुछ देख रहे हैं। वैसे भी नीतीश कुमार को जब कुछ बड़ा फैसला लेना होता है, नीतीश कुमार चुपचाप सबके बयानों को सुनते हैं, सब क्या चल रहा है बिहार और देश भर में ये सुनते हैं, गठबंधन क्या फैसला ले रहा है, बीजेपी के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो क्या क्या फैसले लेंगे, इस पर भी उनकी निगाहें रहती हैं। और इस चुप्पी के क्या मायने माना जाए, मायने तो कई तरह के निकाले जा सकते हैं। कि नीतीश कुमार चुप रहते हैं तो मन में बहुत उबाल चलते रहता है और अचानक से ये उबाल बाहर निकलता है, विस्फोट कर जाता है, और जब विस्फोट करता है तो चारों तरफ बदलाव 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 की आहट नज़र आती है। क्या वाकई में एक बार फिर से वैसा कुछ दिख रहा है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर भी निगाहें नीतीश कुमार की हैं? चलिए खेल समझते हैं क्या चल रहा है राजनीति गलियारे में। बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं सुबह सवेरे आप सभी दर्शकों के लिए कि नीतीश की चुप्पी क्या छोड़ने वाले हैं सीएम की कुर्सी। भाजपा की इंटरनल मीटिंग पर कुशवाहा फिरंट, नीतीश चुप है। चुप है तो हो सकता है विधानसभा में भी लगे होंगे, कैसे ये हम कह ले बाबा की सीएम की कुर्सी ही छोड़ेंगे। कभी कभी होता क्या है ना कि जब आप चीज़ों को सामने सामने देखते हैं तो आपको इतिहास के पन्नों पर नज़र ऑटोमेटिक जाता है। आपसे चर्चा हो रही थी तो आप पंचायत सीरियल का सीरीज का जो है उसका बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये सीरीज तीसरी सीरीज आई है ना, तीसरी सीरीज जब आप देख रहे होंगे तो पहली और दूसरी दोनों सीरीज आपको रिसाइकिल हो रहा होगा। कड़ियाँ ऑटोमेटिक जुड़ते जा रही कहानी जो है वो जुड़ती जा रही होगी। नीतीश कुमार के साथ भी यही है। नीतीश कुमार जब भी जिस अवस्था में अभी हैं, जिस एरा में हैं, उस एरा में जब जब गए हैं तो कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है। आपको याद होगा ना जब पूरी दुनिया कह रहे थे कि आप लोग झूठे मूठ के सरकार गिराते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार जिस रास्ते चल रहे हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा वो अंदाजा हो गया है। और नीतीश कुमार ने पाला बदला, चुनाव भी हो गया। चुनाव होने के बाद मुझे जो याद आ रही है वो 2019 के चुनाव की जो स्थितियां हैं वो याद आ रही हैं। तब नीतीश कुमार और भी ज़्यादा 16 सीटें जीत करके आए थे, एक ही सीट कम न था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनकी बात नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी तब हाथी पर सवार थी, 303 सीट उसके पास था, और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को उनकी बात नहीं मान करके मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया। ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार नहीं बने, बड़ी शांत होकर के वहाँ से लौटे थे, और जिस तरीके से इस बार लौटे हैं बिल्कुल उसी तरीके से उस समय भी लौटे थे। वहाँ भी जैसे गुमसुम बैठे हुए थे और उनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ मुंह चल रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा था। संजय झा से कभी कभी कान में कुछ कुछ बोल रहे थे, वो तो मजबूरी थी ना, वो मजबूरी थी कि देख रहे हो यहाँ पर होना चाहिए था फलना को, लेकिन यहाँ फलना नहीं फलना है। तो ये सारी बातें जो नज़र आ रही थी वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, और जब नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं है तो नीतीश कुमार कोई बड़ा काम करेंगे। पहली बार आपने देखा होगा कि 2019 में जब साथ में चुनाव लड़े थे तो वहाँ से लौट करके मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आए थे, तो बिहार में किस तरह का माहौल उन्होंने पैदा किया था। नतीजा
सबके सामने था कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, और उस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उससे अलग रख करके एक संकेत दिया था कि आप हमको अलग रख सकते हैं, वहाँ आप मालिक हैं तो यहाँ हम भी मालिक हैं, हम आपको अपने से दूर रख सकते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं इस बार भी वही होगा, लेकिन नीतीश कुमार जब ये खबर हम कर रहे हैं तो अभी से 12-13 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक होनी है। जब कैबिनेट की बैठक होनी ही है, मंत्रियों से उनको मुलाकात होनी ही है, तो फिर इमरजेंसी मीटिंग रात में क्यों बुलाई गई थी? कल रात एक बैठक बुलाई, अपने करीबियों को, अपने अधिकारियों को, पदाधिकारियों को क्यों बुलाए थे? निश्चित रूप से कुछ तो बात होगी जी, बिल्कुल। और उस बात के बाहर निकलने, पब्लिक डोमेन में आने के बाद अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज भी नजर आ रहे थे। इसके अलावा नीतीश कुमार जब आंध्र प्रदेश नहीं जाते हैं तब भी ये कहा जाता है कि क्या चंद्रबाबू इनके साथ पार्टनरशिप करने में अलग हो गए क्या, जैसे चंद्रबाबू नायडू और ये दोनों मिलेंगे तभी सरकार पर कोई विशेष असर पड़ सकता है। किंग मेकर की भूमिका में दोनों हैं, दोनों हैं। अगर दोनों हैं तो किंग मेकर हैं, नहीं है तो नहीं है। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी धोखा दे दिए बीजेपी के? बिल्कुल, आप समझिए ना, अब जैसे दो आदमी मिल करके हम लोग कोई काम करने चले और आप बीच से ही गायब हो जाइए, तो निश्चित रूप से धोखा ही हुआ ना। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री मिले, पवन कल्याण से मिले, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ आंध्र प्रदेश में एक अलग नज़ारा था, उस नज़ारा में लहार लूट लिया चिराग पासवान ने भी, खूब जम करके चर्चा चिराग पासवान की भी हुई। अब ये सारी बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके इस तरफ इशारा करती है कि नीतीश की चुप्पी अक्सर जब हुई है तब तक कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, चाहे वो तेजस्वी यादव के साथ चुप हों या फिर 2017 में लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन पुल का उद्घाटन होने के बाद चुप्पी साध लिए हों और उसके कुछ ही दिन के बाद वो सत्ता परिवर्तन कर दिए हों। 2022 में भी इसी तरह की बात हुई थी, चुप हो गए थे वो, तब भी यही स्थिति हुई थी और एक बार फिर से चुप हुए हैं। हालांकि इस चुप होने को लेकर के और भी कई बातें चल रही है। कुर्सी छोड़ने की बात जहाँ तक है वहाँ तक नीतीश कुमार स्वेच्छा से भी कुर्सी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में ही कुर्सी छोड़ सकते हैं। अगर उनको उपयुक्त अपना उत्तराधिकारी मिल जाएगा तो कुर्सी छोड़ देंगे। चर्चाएं ये भी चल रही थी कि उनके परिवार नहीं, दोनों तरफ से चल रहा है ना वो, आपको देखिए फिर आप वहीं ले जाकर के हमको खड़ा कर देते हैं, फिर वही खूंटा और बकरी का वाला बात हो जाता है जी जी। फिर उसी खूंटे और बकरी की बात हो जाती है कि एक खूंटा पर दो दो रस्सी बंधा हुआ है, कब कौन गर्दन घुसा देगा कोई ठिकाना नहीं है, और यही स्थिति लगभग वहाँ देखने को मिल रही है। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जो नीतीश कुमार की एक्टिविटी है वो निश्चित रूप से परेशान किए हुए है भारतीय जनता पार्टी को भी, और दूसरी तरफ जो विपक्ष इतना रिलैक्स है, तेजस्वी यादव का गुट इतना रिलैक्स है, ये और ज़्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है। काहे इतना परेशान? बिल्कुल, आप समझिए कि सम्राट चौधरी को ये ज़रूरत क्या थी कहने की कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे, आगे 2025 भी नहीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, आगे ये करेंगे वो करेंगे, कहाँ इस सब का चर्चा था। लेकिन नीतीश कुमार को ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, गुस्साइए मत, हम जो हैं वो आपके साथ हैं, आप जो भी फैसला कीजिएगा हम माने। लेकिन इन सब के बाद जो नीतीश कुमार की एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। हम चर्चा कई बार इस बात की कर चुके हैं, कहने वाले ये भी कहेंगे। अब इसके साथ साथ दो तीन बातें और बड़ी महत्वपूर्ण है जो जानना जरूरी है। एक तरफ सत्ता में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि जो जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वो कैपेबल लोग थे, समीकरण बैठाया गया है, जातीय समीकरण का भी ध्यान में रखा गया है। तो अगर ये जातीय समीकरण का ध्यान में रखा गया है, सब कुछ हुआ है, तो आप एक चीज़ बताइए ना, इसमें कहाँ है राजपूत? कायस्थ कहीं नज़र आए क्या? इसमें वैसे कहीं नज़र आए क्या? कुशवाहा को आपने स्थान दिया क्या? ये सब लोग नजर नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को अगुवाई करनी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब इन सारे लोगों को, जो 8 लोगों को मंत्रालय मिला है, यानी बिहार को जो मंत्रालय मिला है, उस मंत्रालय को लेकर के भी एक तरफ जहाँ ये कहा जा रहा है, लोग ये डिफेंड कर रहे हैं, ललन सिंह का मैं एक बयान सुन रहा था, आप ही लोग खबर चला रहे थे, मैंने देखा कि ललन सिंह बयान दर्ज, जब उनसे पूछा गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो उन्होंने कहा कि जाके प्रधानमंत्री से पूछिए ना। ये तो
कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर ये पूरा का पूरा जो है ना रिसाइकल हो रहा है, और ये जब होने लगता है तो निश्चित रूप से आप संबंधों को बहुत बेहतर नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो भारतीय जनता पार्टी का सरेंडर करना और दूसरा विपक्ष का खुश होना और साथ साथ कई बयान आना। हम चाहेंगे वो दोनों बयान आप बताइए ना, क्या रोहिणी आचार्य ने कहा, भाई इंद्र ने क्या कहा। इंद्र का एक बयान है, वो कह रहे हैं कि भाई अब चाचा भतीजा एक है, बहुत जल्द कुछ ही महीनों में आप देखिएगा कि हमारे साथ नीतीश कुमार रहेंगे और सरकार देश में हमारी रहेगी। रोहिणी आचार्य भी ये कहते हैं कि जाते जाते कि भाई चाचा हमारे साथ आ जाएंगे तो खुशी की बात होगी, सिंगापुर गई हैं। निश्चित रूप से ये पूरी परिस्थितियाँ जो हैं एक तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार खुश नहीं हैं, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने जो लालू प्रसाद को उनके जन्मदिन पर बधाई दिया है उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन इन सारी बातों के साथ जो दूसरी बात एक प्रेशर पॉलिटिक्स था जो नीतीश कुमार भी कर रहे हैं चुप होकर के और उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया है। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा को अभी तक ये संतुष्ट नहीं किया गया है कि आपके साथ हम न्याय करेंगे, क्या देंगे आपको हम। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी समझ में आती है, कुशवाहा समाज की भी नाराजगी समझ में आती है, और खास करके जब ये इंटरनल मीटिंग करके जो पब्लिक डोमेन में बाहर लाया जाता हो कि नीतीश कुमार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ भाजपा को, तो ये नीतीश कुमार के लिए भी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी काफी दुखद और तकलीफ वाली बात है, क्योंकि क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिसके वोट से नहीं हारे वो दुनिया जान रही है बिल्कुल कि किसके वोट से हारे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज पब्लिक डोमेन में लाने की नहीं, लाने की जरूरत, ये इंटरनल बैठक फोरम में बात होनी चाहिए थी, बैठक करके इस बारे में निश्चित रूप से इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, ये भी बात उन्होंने कहा। और ये सारी चीजें घुमा फिरा करके एक ही जगह आकर के रत्नेश टिक जा रही हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी अक्सर कोई ना कोई कहानी लिखती है, इस बार स्क्रिप्ट लाल कलम से, ब्लू कलम से या ब्लैक कलम से लिखा जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है, या फिर नई कहानी लिख करके एक नया अध्याय शुरू करेंगे नीतीश कुमार, जिसमें वो सारे लोग होंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में एक नया बिहार देने जा रहे हैं। फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, ये नीतीश कुमार का नया अध्याय क्या वो लिख रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही नीतीश कुमार ये अध्याय अपना समाप्त करेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव पल भर में हो सकता है। खेल समझ में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आज दिन भर चर्चाओं का बाजार भारत लाइव पर गर्म रहेगा। देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।